नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय में प्यारे विद्यार्थियों आपका प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य, उसमें हम जो है रीतिकालीन काव्य शास्त्र के अंतर्गत न्यायिक के लक्षण और भेदों का वर्णन पढ़ रहे थे। प्यारे विद्यार्थियों, इसका एक भाग मैंने विगत वीडियो में बना दिया है, ठीक है। तो अब इसी प्रश्न को, ये परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर ये पूछा जाता है, अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है नायक के भेदों का वर्णन या फिर नायिका के भेदों का वर्णन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए इसको आप ठीक प्रकार से पढ़ेंगे, याद करेंगे। तो एक पद एक जो भाग है इसका मैं बना चुका हूँ, कल हमने पढ़ा, विगत वीडियो में हमने पढ़ा नायक के जो लक्षण क्या होते हैं, नायक कौन होता है, नायक के लक्षण क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर भरत मुनि के द्वारा जो नायक के भेद बताए हैं, जिन जिनमें हमने धीरो दत्त है, धीरो दात है, धीर प्रशांत है, धीर ललित है, इस प्रकार के चार जो है भेद वो पढ़े। उसके बाद में भरत मुनि जी ने चार नायक के प्रकार और बताए थे, जो कि नायिका के साथ व्यवहार करने के आधार पर यानी व्यवहार के आधार पर नायक के जो भेद है वो चार प्रकार के बताए। उनमें हमने अनुकूल नायक को पढ़ा, दक्षिण नायक को पढ़ा, सठ नायक को पढ़ा और दृष्ट नायक को पढ़ा। तो इस प्रकार से ये भरत मुनि ने व्यवहार के आधार पर चार प्रकार के नायक के भेद और माने हैं, ठीक है। तो आज हम इन्हीं से इसी जो यहाँ तक हमने विगत वीडियो में पढ़ लिया था, तो अब हम आगे जो है और चर्चा करेंगे नायक के भेद और कौन कौन से होते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, प्रश्न आएगा आपके परीक्षा में, ये प्रश्न आता है शास्त्रीय आधार पर नायक के लक्षण व भेदों का वर्णन कीजिए, बड़ा प्रश्न आता है, ठीक है। तो अब इस प्रश्न के उत्तर में हम जो है आगे बता रहे हैं, अब आपको कल तक हमने जो है आपने मैंने बता दिया, अभी आपको अनुकूल नायक है, दृष्ट दक्षिण नायक है, सठ नायक है और दृष्ट नायक है, इनके अलग अलग परिभाषा है और जो आचार्यों द्वारा जो इनके बारे में लक्षण दिए गए थे वो भी बताए थे। आज अब आगे हम लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नायिका नायक के जो धर्मानुसार नायक के कितने भेद होते हैं, धर्म के अनुसार नायक के कितने भेद होते हैं, तो उसको हम यह पॉइंट को लगा करके अब देखेंगे। धर्मानुसार नायक के भेद, तो व्यवहार के आधार पर पढ़ लिया, ठीक है, और अभिनय के आधार पर चार प्रकार के नायक होते हैं। अभिनय के आधार पर चार प्रकार के नायक भरत मुनि ने क्या कौन कौन से बताए थे, धीरोदात, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदात, ठीक है, और व्यवहार के आधार पर चार प्रकार के नायक, फिर अलग कोटि और भी है, उत्तम है, मध्यम है, अधम, इस प्रकार की कोटि भरत मुनि ने बताई। उसके बाद में हमने पढ़ा था प्यारे विद्यार्थियों कि नायिका के साथ व्यवहार के आधार पर जो है नायक के भेद होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, भरत मुनि ने कहा चार प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से, वो हमने पढ़े अनुकूल नायक जो है, दक्षिण नायक, सठ नायक और दृष्ट नायक। अब हम पढ़ेंगे धर्मानुसार नायक के भेद, तो धर्मानुसार नायक के कितने भेद होते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। धर्मानुसार नायक के तीन भेद होते हैं, ठीक है, धर्मानुसार नायक के तीन भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं तीन भेद, तो देखिए इसमें प्यारे विद्यार्थियों तीन भेद होते हैं आपके, पति, उपपति और वैश्यक। पति, उपपति और वैश्यक, तो इस प्रकार से ये तीन भेद होते हैं। किसके आधार पर, धर्म के अनुसार, धर्मानुसार नायक के ये तीन भेद होते हैं। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों अब हम इसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। सबसे पहला है पति, पति कौन होता है इसके बारे में देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों पति है वो जो सवकिया नायिका है, सवकिया नायिका कौन सी होती है, जो अपने ही पति में अनुरक्त रहती है, केवल अपने पति से ही प्रेम करती है, पर पुरुष का वो ध्यान नहीं करती है, पर पुरुष के साथ उसका प्रेम नहीं, संबंध नहीं होता, ऐसी जो नायिका होती है जिसको हम सबसे उच्च कोटि में रखते हैं,
ठीक है। तो ऐसी जो नायिका होती है वो सवकिया नायिका होती है, जो अपने ही पति के साथ वो प्रेम करती है, उच्च कोटि की होती है। तो सवकिया नायिका के नायक को पति कहा जाता है। जो सवकिया नायिका होती है, मैंने कहा उच्च कोटि की नायिका होती है, जो केवल अपने ही पति से प्रेम करती है, किसी पर पुरुष के साथ उसका कोई प्रेम संबंध नहीं होता, वह किसी पर पुरुष के साथ उसका प्रेम व्यवहार वो नहीं करती। तो ऐसी जो केवल अपने ही पति में अनुरक्त रहती है उसको हम सवकिया नायिका कहते हैं। वो नायिका के प्रकार में हम पढ़ेंगे आगे। तो ऐसी जो सवकिया नायिका का जो नायक होता है उसको हम क्या कहते हैं, पति कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और ये शास्त्रीय विधि विधान के साथ नायिका से विवाह करता है। ये जो पति होता है, यह शास्त्रीय विधि विधान के साथ में जो विवाह के मंगल जो मंत्र इत्यादि है उनकी उनके द्वारा है वो फेरे इत्यादि लेता है, विवाह करता है। तो इस प्रकार से विधि विधान के द्वारा नायिका से विवाह कर लेता है। संस्कृत काव्य शास्त्र में इसको उत्तम नायक कहा जाता है, यानी संस्कृत साहित्य में इस प्रकार के नायक को क्या कहा जाता है, उत्तम नायक कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका थोड़ा सा वर्णन हम देख लेते हैं। सवकिया नायिका के नायक को पति कहा जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा। जो सवकिया नायिका होती है उसके बारे में हमने बता दिया, जो अपने ही पति केवल अपने पति में ही जो अनुरक्त रहती है, किसी पर पुरुष के साथ उसका प्रेम संबंध नहीं होता, वो सवकिया नायिका होती है। तो उसके नायक को हम क्या कहेंगे, पति कहते हैं। और ये उच्च कोटि का होता है। साथ ही साथ इसके बारे में हम लिखते हैं कि शास्त्रीय विधि विधान के साथ क्या करता है, नायिका से विवाह कर लेता है। विधान के साथ या विधान के द्वारा नायिका से विवाह कर लेता है। ठीक है। और क्या है, संस्कृत काव्य शास्त्र में इसे उत्तम नायक कहा जाता है। संस्कृत काव्य शास्त्र में प्यारे विद्यार्थियों इसको उत्तम नायक कहा जाता है। संस्कृत काव्य शास्त्र में प्यारे विद्यार्थियों इसको क्या कहा जाता है, इसे उत्तम नायक कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। फिर है, मती राम जी ने इसके बारे में लक्षण दिए हैं कि विदिशो ब्याहो पति कहियो कवि मती राम सुजान। तो मती राम जी ने इसके बारे में, आचार्य मती राम जी कहते हैं या कवि मती राम जी कहते हैं कि विदिशो ब्याह है वो विदिशो ब्याहयो पति कहियो कवि मती सुजान, कवि मती राम है सुजान। तो ये आप परीक्षा में इस तरह से लिखेंगे तो ही अच्छे नंबर बनेंगे। तो इस प्रकार से पंक्तियां आप जरूर लिख देना कि विदिशो ब्याहो, यानी विधि विधान से, शास्त्रीय विधि से, विधि का मतलब हो गया विधि पूर्वक शास्त्रीय विधि से इस प्रकार से जो से ब्याह हो मैंने विवाह करता है सो पति कहियो वह पति कहलाता है। ठीक है, पति नायक है वो कहलाता है। और ऐसा कवि मतीराम सुजान, यानी ऐसे ज्ञानी या सुजान चतुर मतीराम कवि है वो कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा पति कौन होता है। ठीक है, तो जो विधि पूर्वक नायिका से विवाह करता है, स्त्री से विवाह करता है, उसको हम पति कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये आप
लिख लेना। अगला जो है दूसरा वो है उपपति। उपपति कौन सी कोटि का नायक है? देखिए उपपति नायक है वो धर्मानुसार नायक की श्रेणी में है। जो प्यारे विद्यार्थियों, जो स्त्री का पति नहीं होकर भी उससे प्रेम संबंध रखकर उस स्त्री की आचार हानि करता है, वह व्यभिचार में आसक्त रहता है, उसे उपपति या जार पति कहा जाता है। ठीक है, जो स्त्री का पति नहीं होता या पति होकर के भी पति का जो निर्वाह नहीं करता और उससे प्रेम संबंध नहीं होकर के भी पति, जो स्त्री का पति नहीं होकर भी उससे प्रेम संबंध रखता है, किसी पराई स्त्री से प्रेम संबंध रखता है और फिर वो उस स्त्री का आचार हानि जो है करता है, एक तरह से व्यभिचार करता है, उसके जो है उसके साथ व्यभिचार में आसक्त रहता है, उसे उपपति कहा जाता है या इसका दूसरा नाम जारपति भी कहते हैं प्यारे विद्यार्थी, उसको जारपति या उपपति कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये इसके बारे में, जो स्त्री का पति नहीं होकर के उससे प्रेम संबंध रखकर उस स्त्री का, उस स्त्री की आचार हानि करता है, एक तरह से उसको धोखा देता रहता है, उसको और व्यभिचार में आसक्त रहता है, वह व्यभिचार में यानी पराई स्त्रियों से प्रेम करता रहता है, वासना में रत रहता है, व्यभिचार में आसक्त जो पुरुष होता है, आसक्त रहता है, उसे प्यारे विद्यार्थियों उपपति या जारपति कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया है उपपति कौन सा, जारपति उपपति एक ही बात है। इसमें पद्माकर कवि ने इसके बारे में लक्षण बताए हैं। पद्माकर कवि अरित्यकाल के, पद्माकर कवि ने लक्षण बताए हैं इसके, क्या लक्षण दिए देखिए कि उपपति ताही बखानिए, उपपति ताही बखानिए जो पर वधु को मीत, जो पर वधु को मीत, उपपति ताही बखानिए, उपपति ताही बखानिए, उपपति ताही बकान ही, क्षमा करना यहाँ पर बखान ही है, बखान ही जो पर वधु को मीत, जो पर वधु को मीत, तो ऐसा लक्षण दिया है पद्माकर कवि ने उपपत्ति के बारे में कि उपपत्ति ताही ताही मनुष्य को, उसको बखानिए मैंने कहा जाता है या कहते हैं, बखान करते हैं कि जो पर मैंने दूसरों की वधु, मैंने स्त्रियों की, दूसरी स्त्रियों का क्या हो, मीत मैंने मित्र हो या प्रेम करता हो, ऐसा जो नायक होता है वह उपपति कहलाता है। ठीक है, जो पराई स्त्री से, अपनी स्त्री से प्रेम न करके पराई स्त्री से प्रेम करता है, वो उसका मित्र होता है, वो उपपति या जारपति कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा करता हूँ, ये समझ में आ गया होगा। तीसरी कोटि का है वो वैशिक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मैं अभी इसको मिटा रहा हूँ, ये आप नोट कर लेना पति उपपति के बारे में।
ठीक है, जो स्वकीया नायिका के साथ नायिका के नायक को पति कहा जाता है। शास्त्रीय विधि विधान के द्वारा नायिका से विवाह कर लेता है। संस्कृत काव्य शास्त्र में इसी को ही उत्तम कोटि का नायक माना जाता है। और उपपति जो है वो स्त्री का पति नहीं हो करके भी, यानी प्रेम संबंध रख करके उससे प्रेम संबंध रख करके उस स्त्री की आचार हानि करता रहता है और व्यभिचार में आसक्त रहता है, यानी वो अपनी स्त्री से प्रेम न करके दूसरी स्त्रियों से प्रेम करता है, वो उपपति कहलाता है या जारपति कहलाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो अंतिम जो है वो अब लेते हैं, वैशिक जो पति कौन होता है, वैशिक जो नायक है वो कौन होता है, जो धर्मानुसार जो नायक की तीसरी श्रेणी है। प्यारे विद्यार्थियों, वैशिक ये तीसरी है, ऐसा नायक कौन सा होता है जो नायक वेश्याओं में आसक्त और प्रेम में लगा रहता है, यानी ऐसा नायक जो वेश्याओं से प्रेम करता है उसी में आसक्त रहता है उसे वैशिक नायक कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट हो गया, यानी जो ऐसा नायक हो जो जो नायक वेश्याओं से क्या रखता हो, संबंध रखता हो, जो नायक उसे वैशिक नायक कहते हैं, यानी जो नायक वेश्याओं से संबंध रखता हो और उन्हीं में ही आसक्त रहता हो वह नायक वैशिक नायक कहलाता है, जो कि धर्मानुसार नायक की तीसरी कोटि है, तीसरी श्रेणी है। मती राम जी ने ऐसे नायक के लक्षण बताए हैं। मती राम जी ने लक्षण क्या दिए, देखो मती राम जी ने ऐसे नायक के लक्षण दिए हैं। देखिए क्या लक्षण दिए हैं, यहाँ लिख रहे हैं, ये परीक्षा में आप ऐसे लिखेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, कि प्रीति करे गनिकान सो, प्रीति करे गनिकान सो, प्रीति करे गनिकान सो, और क्या है, बेसिक ताको जाने, बेसिक ताको जाने। ठीक है, तो इस पद में मती राम जी ने यह अर्थ बताया है कि प्रीति मने प्रेम करे, गनिकान का अर्थ होता है वेश्या, वेश्याओं से जो प्रेम करे, वैशिक यानी वैशिक, ताको मने उसको, जानिए मने जानिए या कहते हैं, ठीक है उसको कहते हैं या जानिए कि जो वेश्याओं से प्रेम करे, गनिका से प्रेम करे, ऐसे नायक को वैशिक ही कहा जाता है, वैशिक जानना चाहिए। तो मती राम जी ने वैशिक नायक के बारे में ये बात लिखी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये जो तीन धर्मानुसार नायक के जो भेद है वो आपको अच्छी भली भांति वो समझ में आ गए होंगे। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है वो पूर्ण हुआ। अब इसमें एक थोड़ा निष्कर्ष के रूप में आप कुछ लिख सकते हैं, निष्कर्ष लगा करके ज़रूर लिखना है अंत में, ये बिंदु लगा करके इस बिंदु से इसकी समाप्ति करेंगे उत्तर की, कि काव्य शास्त्र में वर्णित नायक नायिकाओं के भेद परंपरा का निर्वाह रीतिकालीन आचार्यों ने भी किया, यानी काव्य शास्त्र में, ये अंत में लिख देना आप निष्कर्ष के तौर पर, कि काव्य शास्त्र में वर्णित जो नायक नायिकाओं का के जो भेद की परंपरा है उसका निर्वाह रीतिकालीन आचार्यों ने भी किया।
उन्होंने सभी प्रकार के नायकों के लक्षण व उदाहरण भी प्रस्तुत किए। उन्होंने यानी जो रीतिकाल के जो कवि थे उन्होंने जो है नायक के सभी प्रकार के जो नायक होते हैं उनके लक्षण और उदाहरण है वो प्रस्तुत है वो किए हैं। तो इस प्रकार से सभी रीतिकाल के आचार्यों ने कवियों ने नायक के लक्षणों का उदाहरण सहित है वो वर्णन किया है। इस प्रकार का पद इस प्रकार की जो पंक्तियाँ हैं वो आप उसमें निष्कर्ष के तौर पर लिख देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये जो प्रश्न है आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। ये जो दोनों मैंने वीडियो बनाई हैं दोनों मिला करके तो ये पूरा प्रश्न हो गया आपका। ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अधिकतर परीक्षा में आता है। तो इस प्रश्न को न्याय शास्त्रीय आधार पर नायक के भेद और लक्षणों का वर्णन कीजिए ये प्रश्न आता है और नायक के लक्षण और भेद। तो ये हमने भरत लक्षण नायक कौन होता है नायक के क्या क्या लक्षण होते हैं भरत मुनि ने जो अभिनय के आधार पर नायक के चार भेद बताए हैं धीरोदत्त और धीर प्रशांत और धीर ललित। फिर अभिनय के आधार पर हो गए फिर उत्तम मध्यम और अधम कोटि का जो नायक है इस प्रकार से नायक की श्रेणियां हैं। फिर प्यारे विद्यार्थियों नायिका के साथ व्यवहार के आधार पर जो है नायक के भेद वो हमने पढ़े उसमें हमने देखे अनुकूल नायक कौन सा होता है दक्षिण नायक कौन सा होता है सट नायक और दृष्ट नायक इस प्रकार से चार पढ़े। फिर अंत में जो हमने अब पढ़े हैं अब धर्मानुसार नायक के भेद। तो धर्मानुसार नायक के भेद वो तीन प्रकार के होते हैं पति उपपति और वैश्विक। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न का उत्तर है वो आप तैयार करेंगे और आशा करता हूँ ये जो प्रश्न का उत्तर है वो आपको ठीक प्रकार से समझ में आया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे किसी नए अध्ययन बिंदु को लेकर के रीतिकाल से संबंधित। तब तक के लिए इस प्रश्न को आप ठीक प्रकार से कंठस्थ कर लेंगे याद करेंगे इनको नोट्स बना करके ठीक से याद करेंगे। प्यारे विद्यार्थी बहुत महत्वपूर्ण है बार बार कह रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है तो इसको याद करेंगे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत जय हिंदी धन्यवाद विद्यार्थियों।